वाथी अनुवाद शिक्षक 2023 में रिलीज होने वाली एक भारतीय पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे वेंकी एटलुरी ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म को तमिल और तेलुगु में एक साथ शूट किया गया था जिसका शीर्षक सर था और इसका निर्माण सीथारा एंटरटेनमेंट और फॉर्चून फोर सिनेमा ने किया था। 3-4 फिल्म में धनुष और संयुक्ता मुख्य भूमिकाओं में हैं, साथ ही तेलुगु संस्करण में धनुष ने तेलुगु में अपनी शुरुआत की है। 5 यह फिल्म 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई और इसे आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा मिली। कथानक अभिराम और उसके दोस्त जो श्रीनिवास समुथिरकानी द्वारा संचालित एक शैक्षणिक संस्थान में छात्र हैं, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें गणित की कक्षाओं वाले टेपों का एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसके साथ सोझावर्म के कुमार के नाम की रसीद होती है जो 2000 की है। पूछताछ के बाद उन्हें पता चलता है कि कुमार कडप्पा के जिला मजिस्ट्रेट हैं और बाद में कुमार ने खुलासा किया कि वीडियो में दिख रहा आदमी बालामुरुगन बाला धनुष है। कहानी 1993 में वापस जाती है जब कई निजी संस्थान खुलते हैं और सरकार को सार्वजनिक संस्थानों में रुचि बनाए रखना मुश्किल लगता है। 5 साल बाद व्याख्याताओं की कमी के कारण सरकारी कॉलेज बंद हो जाते हैं। गरीब लोग जो निजी संस्थानों का खर्च नहीं उठा सकते उनके पास उच्च शिक्षा तक पहुंच कम रह जाती है। निजी कॉलेज संघ के अध्यक्ष श्रीनिवास सभी सरकारी कॉलेजों को गोद लेने और उन कॉलेजों में जूनियर व्याख्याताओं को भेजने की योजना बनाते हैं। साथ ही सरकार द्वारा शुल्क के नियमितीकरण को रोकने के लिए सरकार से समर्थन प्राप्त करते हैं। बाला ऐसे ही एक व्याख्याता हैं, जिन्हें सोझावर्म के एक सरकारी जूनियर कॉलेज में गणित पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। बाला को पता चलता है कि कॉलेज में उपस्थिति कम है, इस वजह से कॉलेज जल्द ही बंद हो सकता है। बाला सभी गांव वालों और उनके बच्चों के साथ एक बैठक आयोजित करता है और शिक्षा की आवश्यकता को समझाता है जिससे बच्चों और अभिभावकों को इसकी महत्ता का एहसास होता है। फिर छात्र कक्षाओं में वापस आना शुरू कर देते हैं और बालू अतिरिक्त कक्षाएं संभालता है और एक पूर्व छात्र मुथु को भी पढ़ाने के लिए रखता है। इस बीच बालू को संस्थान की जीव विज्ञान की शिक्षिका मीनाक्षी संयुक्ता से प्यार हो जाता है। बाला छात्रों के बीच जातिगत अंतर को नोटिस करता है और इसे खत्म करने की एक चाल चलता है। बोर्ड परीक्षा होती है और सभी छात्र प्रथम श्रेणी में पास होते हैं। श्रीनिवास छात्रों को निजी संस्थानों की बजाय सरकारी संस्थानों में वापस जाने से रोकने के लिए बाला को आकर्षक नौकरी की पेशकश के साथ लुभाने की कोशिश करता है। बाला मना कर देता है और श्रीनिवास शिक्षा मंत्री के माध्यम से सरकारी जूनियर कॉलेजों में व्याख्याताओं को दिए गए पदों को वापस लेने और नए लोगों की भर्ती करने का काम करता है। बाद में बाला गांव के एक खुले मैदान में निजी कक्षाएं लेता है जिससे तिरुपति भड़क जाता है और गांव वालों को उसे गांव से भगाने के लिए उकसाता है। बाला जवाब देता है लेकिन पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और हिरासत में उसे प्रताड़ित किया जाता है। उसे जल्द ही गांव में वापस छोड़ दिया जाता है जहाँ गाँव वालों से उसकी मदद न करने के लिए कहा जाता है। यह दर्शाता है कि उसने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। बाला के पूर्व छात्र उसे अपने गृहनगर वापस जाने में मदद करते हैं जहां वह अपने पिता नारायणन नरेन पर निर्भर हो जाता है जो एक ड्राइवर के रूप में काम करता है। ठीक होने के बाद वह निजी जूनियर कॉलेजों में कई नौकरी के साक्षात्कारों में असफल होने के बाद अपने पूर्व शिक्षक अंसारी के आग्रह पर अपने घर पर ट्यूशन लेना शुरू कर देता है। मीनाक्षी आती है और उससे शादी करने का फैसला करती है।